Yeah, good afternoon, everyone. I hope you all are doing well. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So let us start today's class. Just remind me what we did in the last class or the previous class. What was the last thing that we did? Just remind me that. Symmetric circuit. So symmetric circuit is done already, right? Uspe koi question bhi kiya tha additionally? सिर्फ एक्सप्लेन किया था और या क्वेश्चन भी वी हैव सीन सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट सिर्फ एक्सप्लेन किया था वो पैरेलल और परपेंडिकुलर अच्छा मतलब आई जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज पैरेलल सिमेट्री एंड द परपेंडिकुलर सिमेट्री ओके तो मतलब वो पूरा उसको सॉल्व भी नहीं किया था शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है नो सर मैंने सिर्फ बताया था पैरेलल ओके तो लेट मी टेक द सेम एग्जांपल फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दिस सिमेट्रिक सर्किट अगर पैरेलल है तो कैसे सॉल्व होता है परपेंडिकुलर है तो कैसे सॉल्व होता है ये जरूरी नहीं है के किसी भी सर्किट में पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों होगा दोनों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो इसीलिए सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि वी हैव अ सर्किट विच इज ओनली हैविंग पैरेलल सिमेट्री और सर्किट विच इज हैविंग ओनली परपेंडिकुलर सिमेट्री तो हाउ डू वी सॉल्व इन दोस केसेस तो उसके लिए वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो मैंने आपको पहले उससे समझाया था कि पैरेलल और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है तो देखिए सर एंड देन वी विल कम टू नो कि हाउ डू वी डील विद दिस काइंड ऑफ सर्किट्स ये मान लीजिए पॉइंट क्यू है एंड दिस वाज द पॉइंट पी यहां से ये थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है ऐसा कुछ था ना फिर से बना ये पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू एंड ईच रेजिस्टर वाज ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम तो अब सुनिए ध्यान से कि सर अगर पैरेलल सिमेट्री है जैसा कि इसमें है तो पैरेलल सिमेट्री का मतलब ये होगा कि इस लाइन के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है और है इस लाइन के अबाउट सर्किट के सिमेट्रिक है तो मैंने आपसे बोला होगा कि अगर पैरेलल सिमेट्री है तो सॉल्व करने का तरीका सुनो इफ सर्किट इज पैरेलल तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज जस्ट फोल्ड द होल ऑफ द सिमेट्री फोल्ड एफ ओ एल डी फोल्ड फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन अबाउट विच दिस इज सिमेट्रिक मतलब फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेलल सिमेट्री वाली जो लाइन है उसके अबाउट यू जस्ट फोल्ड द सर्किट तो मान लीजिए अगर ये सर्किट है ये पूरी सर्किट है यू विल फोल्ड दिस अबाउट द लाइन मतलब ये अगर सर्किट का ये दिस इज द लाइन अबाउट विच द सर्किट इज सिमेट्रिक माई फिंगर इज दैट लाइन इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना ये उसके ऊपर ओवरलैप होगा या नहीं होगा व्हाट डू यू से इफ दिस इज द सर्किट एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसको फोल्ड करेंगे इस लाइन के अबाउट तो दिस होल पार्ट विल गेट ओवरलैप्ड ऑन वन अनदर और नॉट टेल मी यस और नो यस सर यस सर ठीक है तो ये इस लाइन के अबाउट इट विल बी फोल्डेड राइट सोच के देख अगर ये फोल्ड होता है तो जस्ट टेल मी दैट कि सर ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर ओवरलैप होगा या नहीं होगा सोच के देखो इफ द लोअर हाफ इज जस्ट ओवरलैप्ड ऑन अनदर अपर हाफ ये नीचे वाला हाफ ऊपर वाले हाफ के साथ ओवरलैप कर जाएगा तो नीचे वाले जो रेजिस्टर है वो कुछ कुछ ऊपर वाले रेजिस्टर के साथ ओवरलैप होंगे या नहीं सोच के देखो ना यार इमेजिन करो ये पूरा ये ऐसे था जब ये ऐसा ओवरलैप करेगा ये समझ रहे हो आप ये ऐसे था दिख पा रहे हैं आप लोगों को ये ओवरलैप करेगा तो आपको नहीं लगता कि दिस फिंगर विल ओवरलैप ऑन दिस पर्टिकुलर फिंगर दिस फिंगर विल ओवरलैप ऑन दिस फिंगर यस सर यस सर
ठीक है, इसका मतलब जिसपे दो सिंगल रेड टिक मैंने दिखाया आपको, वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बिकम सेम पॉइंट एंड दिस इज ऑलरेडी सेम पॉइंट, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला जो रेजिस्टर है ये और दूसरा वाला जो उस पर ओवरलैप हुआ ये, दीज टू रेजिस्टर विल बी कनेक्टेड अक्रॉस द सेम टू पॉइंट्स। थिंक अबाउट इट, ये वाला पॉइंट, ये वाला इसको मान लो मैं P डैश कहता हूँ और ये वाला पॉइंट कुछ भी हो Q हो मान लो इसको Q डैश, तो डोंट यू थिंक P डैश एंड Q डैश विल बिकम सेम कॉमन पॉइंट? यस सर। देखो भाई जितना ज्यादा टाइम लोगे ना आप यस और नो करने में उतना टाइम आपका खराब होगा, तो इसलिए बी ट्राई टू बी क्विक विथ योर आंसर्स। और देखो दूसरी बात यह बच्चों कि आपको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, अनलेस आई गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड आई विल नॉट प्रोसीड। तो ये तो है कि आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे योर सिलेबस विल बी स्लो, और उसके बाद फिर मुझे मत कहना कि मतलब स्लो पढ़ा रहा है मास्टर या क्या कर रहा है। ठीक है, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो यू विल हैव टू ओन इट। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो और आप ये वेट करते हो कि भाई दूसरा कोई करेगा, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मेरे साथ यही इशू है कि मैं फिर आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज मेक इट श्योर कि एवरी वन ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू वॉट एवर वी डू। ठीक है भाई, इसलिए रिस्पॉन्ड करने की आदत प्लीज कृपया मेहरबानी करके आप लोग अपने अंदर डाल लें। ठीक है, ताकि अपन पढ़ने में भी मजा आए और हम आसानी से पढ़ भी सके। ठीक है, तो चलिए सर पहले फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर ये दो चीजें ओवरलैप हुई, ये देखो ये अगर ओवरलैप हो जाएगा ना इस फिंगर पे, अगर इस फिंगर को लाके ओवरलैप कर दोगे, अब ये वीडियो में दिखाना बड़ा मुश्किल काम, इसको ओवरलैप कर दोगे तो ये दो एंड वाले पॉइंट हैं वो दोनों के लिए सेम पॉइंट बन गए ना। यस सर। ठीक है, अगर सेम टू पॉइंट्स बन गए तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, देखना ध्यान से कि सर मैं ये कह सकता हूँ ये वाला रजिस्टर इस वाले पे ओवरलैप होकर दोनों पैरेलल हो गया, देख लो, अगर नहीं पल्ले पड़े तो पूछो। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ, इमेजिन करो साथ साथ बेटा कि इस वाले के साथ ओवरलैप करो, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये ट्रिपल टिक इस ट्रिपल टिक के साथ पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से अगर फर्दर हम आगे बात करें तो ये वाला इस वाले के साथ ओवरलैप होगा, ये वाला इस वाले के साथ ओवरलैप होगा, ये वाला इस वाले के साथ ओवरलैप होगा। देखो एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर पे ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब मैं इस पूरी कंडीशन से, बाकी चीजें आपको लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, अगर आप इस पूरी कहानी को देखें तो मैं इस पूरी सर्किट को क्या कर सकता हूं, आई कैन रिप्लेस द होल ऑफ दिस सर्किट बाय द ओनली बाय द अपर हाफ, वेयर आई कैन जस्ट टेक द अपर हाफ रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर एज आर बाई टू। मतलब हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर बाई टू मैं ले सकता हूँ, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, एंड दिस इज योर आर बाई टू। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। यस सर। इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि नीचे वाला सारा पोर्शन ऊपर वाले रेजिस्टर्स के साथ दो दो आपस में पैरेलल हो गए जब आपने उसको फोल्ड किया, डबल हो गया ना। सीधी सी बात है कि भाई ये सिंगल सिंगल था, जब आपने फोल्ड कर दिया तो हर कुछ डबल डबल हो गया, तो डबल डबल मतलब पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में तो डबल का मतलब हाफ हो जाता है। हाँ ये सक्षम, ये तब भी सिमेट्रिक होती, बट अभी उस बात पे आ रहा हूं। और ये लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें कौन कौन सी सिमेट्री है। This circuit has both kind of symmetry, parallel as well as perpendicular symmetry. तो अभी मैं सिखा रहा हूँ कि अगर parallel symmetry से solve करेंगे तो how do we apply that parallel symmetry? तो parallel symmetry लगाने का तरीका ये हो, ठीक है, कि circuit को आप उस line के about fold कर दीजिए। अच्छा आपने ये कर दिया, अब इसको simply आप solve कर सकते हैं। This r by 2 and this r by 2 are in series, so it will become r. This r by 2 and this r by 2 will become r. तो ये कितना हो जाएगा सर, अगर आप इसको solve करें तो r और ये वाला r parallel में, तो फिर से r by 2, r by 2, r by 2. क्या सबको समझ में आया? भाई इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा R, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा R, ठीक है, और ये R दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे पैरेलल में, तो फिर से कितना आ जाएगा R बाई टू। आप चाहो तो मैं एक और स्टेप बता देता हूँ जल्दी से, देखिए तो ये R, ये R, ये R, इसमें दो R है, तो ये सर ये R है, ये भी R है, और ये R बाई टू है, ये R बाई टू है, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये भी R बाई टू हो गया सर। तो वी आर हैविंग थ्री रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज नाउ, तो R equivalent की वैल्यू कितनी होगी 3R by 2। दिस इज द मेथड टू सॉल्व द सिमेट्रिक सर्किट व्हेन देयर इज पैरेलल सिमेट्री और पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। क्लियर है? हरी अप। यस सर। हरी अप, जस्ट नोट इट डाउन ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं चीजों को।
ये तो पैरेलल सिमेट्री एंड बिकॉज दिस सर्किट हैज गॉट परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ऑल्सो बिकॉज इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है तो इसलिए सर हम क्या करेंगे इसलिए उस मेथड को भी समझेंगे तो हरी अप इससे करो तो फिर परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं सक्षम इज योर बैच फिक्स्ड नाउ सक्षम यस सर विल यू बी इन दिस बैच फ्रॉम नाउ ऑन राइट अच्छा मे बी चलो सर ठीक है बहुत बढ़िया चलिए सर ये सबने नोट कर लिया होगा आई गेस तो पैरेलल सिमेट्री का मतलब समझ में आ गया कि व्हेनेवर देयर इज अ पैरेलल सिमेट्री जस्ट फॉल द सर्किट अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर किसी को लिखना हो तो अपने लिए लिख लीजिएगा कि इफ देयर इज अ पैरेलल सिमेट्री मतलब पैरेलल सिमेट्री में क्या करते हैं पैरेलल सिमेट्री में वी जस्ट फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेलल सिमेट्री वी जस्ट फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेलल सिमेट्री में वी फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन आई होप सो यस सर अब दूसरी सर्किट दूसरी सिमेट्री सर परपेंडिकुलर क्योंकि इस सर्किट में दोनों सिमेट्री है वो जरूरी नहीं कि हर सर्किट में ऐसा हो बट इस सर्किट में दोनों सिमेट्री है तो नाउ वी कम टू द परपेंडिकुलर ये तो आसान है सर ये और ज्यादा आसान परपेंडिकुलर सिमेट्री अगर कहीं पर हो सीधा सा एक पॉइंट याद रखो जितना भी नोड जितने भी नोड नोड का मतलब जंक्शन या नोड मतलब जहां पर कई सारे ब्रांच मीट कर रहे हो जितने भी नोड लाई करेंगे ऑन द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री जस्ट ब्रेक दोज नोड्स ब्रेक ऑल द नोड्स लाइंग और फॉलिंग ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ब्रेक ऑल द नोड्स फॉलिंग ऑन द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री ठीक है बस इतना कर देना है अब क्या होगा सर अगर आपने इतना कर दिया तो इससे क्या होगा अब नोड कैसे ब्रेक करोगे तो ध्यान से देखो ये नोड अगर हम ब्रेक करें तो इसमें एक बात और मैं समझाऊंगा आगे अब इसी में जल्दी से कुपाच 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 नीचे वाला ठीक से नहीं बनता है नीचे वाले को ठीक से बना लेता हूँ आपने नोड ब्रेक कर दिया तो नोड ब्रेक कर दिया तो क्या होगा देखो यहां पर ज्वाइंट था वो ज्वाइंट हटा दो फिर यहां था यहां ज्वाइंट था ये ज्वाइंट को हटाओ ब्रेक कर दो ये आ गया सर दिखा बच्चों ये पी और ये क्यू सर ब्रेक कैसे करना है इस बात को याद रखिए आप लाइन देखिए उस लाइन से परपेंडिकुलर तरह से ब्रेक किया ये ऐसे ब्रेक नहीं किया भाई इस जंक्शन को मैंने ऐसे ब्रेक नहीं किया ध्यान से देखिए बेटा ये ऐसे भी तो ब्रेक हो सकता था सर ये ऐसे हो जाए यहां से ऐसे ब्रेक कर दे ये ऐसे और ये ऐसे भी तो पॉसिबल है ब्रेक हो सकता था समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या मैं कह रहा हूं यस सर यस सर ठीक है तो आपने ऐसे ब्रेक नहीं किया ऐसे ब्रेक किया इस बात को बस याद रखने का तरीका ये है कि परपेंडिकुलर जो जंक्शन है उसको ब्रेक करोगे मतलब उस लाइन से परपेंडिकुलर जो बन रहा हो ना इसको मैं या तो ऐसे ब्रेक कर सकता था या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं तो परपेंडिकुलर कौन सा सिचुएशन दिख रहा है ये वाला परपेंडिकुलर सिचुएशन तो वैसे ही ब्रेक करो ठीक है याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि परपेंडिकुलरली ब्रेक किया करो ठीक है अब जब ये ब्रेक कर दोगे तो अब आप सॉल्व करना मुश्किल है क्या बेटा ये आर आर र र र र तो भाई ये आर और ये आर टू आर और ये आर और ये आर टू आर तो टू आर और टू आर पैरेलल में तो कितना हो गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का अगर आप रेजिस्टेंस लिखेंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आपको नहीं लगता कि आर हो जाएगा थिंक अबाउट इट नहीं आया तो पहले इतना तक नोट कर भाई मुझे सर्किट पहले यहां तक नोट करो तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आप लोगों की धीमी आवाज से मुझे लगा कि नहीं समझ आया शायद मैं ज्यादा तेज बोल गया तो जल्दी से नोट करिए यहाँ तक तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इसका इक्विवेलेंट अब वैसे इतना तो आना चाहिए ना कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल अब तो दिखाई दे रहा है सबको सीरीज और पैरेलल बेटा अब तो दिखाई दे रहा होगा सबको एंड आई होप कि आप देख के बता सकते हैं कि कितना आंसर आएगा
डन। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये वाला रेजिस्टर जिस पर मैं टिक मार्क करता जाऊंगा उसको बताना आपको, ये दोनों रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? जल्दी जल्दी बोलो। सीरीज, तो आर और आर, टू आर हो गया, ये वाला और ये वाला डबल टिक, अगेन सीरीज, तो दिस अगेन बिकम्स इक्वल टू टू आर। ठीक है, अब ये टू आर और ये टू आर आपको नहीं लगता कि पैरेलल में है बच्चों? तो टू आर अगर पैरेलल में होगा तो पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो वो आर नहीं हो जाएगा? सोच के देखो। Yes, this whole will become equal to R. इसका मतलब ऊपर वाले branch में you are having R R R R R R R R और नीचे वाले branch में you are having R R R R। ठीक है, तो R R R जैसा ऊपर वाला branch वैसा ही नीचे वाला branch R R R R। तो ये कितना हो गया? ये ऊपर हो गया 3R, नीचे कितना हो गया 3R, and both are in parallel now. 3R and 3R are parallel now, तो R equivalent की value 3R by 2. वही answer आया जो आया आना चाहिए था भाई, first method से जो आया था। Because here you have both the symmetry available, parallel as well as perpendicular axis symmetry, both type of symmetry are there. तो इसीलिए आपका जो answer होना चाहिए था वो ये आना चाहिए था और आया भी है सर। जल्दी से नोट करिए। तो एक दो सवाल करते हैं फिर KCL KVL खेलते हैं जरा। Done sir. Sir, 3R वाला समझ नहीं आया। 3R बेटा तीनों सीरीज में होगा ना, ऊपर वाले को पूरे को सॉल्व करो। तो ऊपर वाला पहली बात तो ये देखो, ये R और ये R मिलकर 2R हुआ था, ये R और ये R मिलकर 2R हुआ। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो सिर्फ ऊपर वाले ब्रांच को देखा, ये R है, यहाँ पर 2R है, यहाँ पर ये 2R है पैरेलल में, और फिर ये R है, ये R, ये 2R, ये 2R और ये R। अब ये 2R और 2R पैरेलल में सॉल्व करो तो 1 by 2R plus 1 by 2R is equal to 1 upon R equivalent आसिया जी, 1 by 2R plus 1 by 2R। Yes, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R equivalent will be equal to R, वही R यहाँ लिखा है। अब ये तीनों R कैसे हो गए सीरीज में, और ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है, तो इसलिए दोनों और दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो R equivalent is equal to 3R by 2। Did you understand आसिया नाउ? Yes sir। ठीक है, हरी अप, आगे बको। Done sir। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन सर, यहाँ देखिएगा, ये एक ऐसा रेजिस्टर लिया मैंने, एक रेजिस्टर ऐसा, ये एक रेजिस्टर ऐसा, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ रेजिस्टेंस आर आर आर। By looking at the circuit, can anybody tell me what kind of symmetry is there? Parallel, perpendicular, or both, or none of the two? By looking at the circuit, can you claim what kind of symmetry does this circuit have? Whether it is symmetric or not? Sir, parallel. नहीं, पहली बात तो ये पैरेलल सिमेट्री तो है ही नहीं। पैरेलल में आप हमेशा क्या करते हो कि जिसके अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब एक्चुअली मतलब क्वेश्चन इज कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है अक्रॉस पीरियड में, यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस अक्रॉस पी एंड क्यू, पी और क्यू के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सर्किट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, पी क्यू वाली लाइन के अबाउट अगर मिरर रखोगे तो इस रेजिस्टर का क्या करोगे, ये जो रेजिस्टर, व्हाट विल यू डू विद दैट वन? समझे आप लोग? यस सर। यस सर। ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री तो है ही नहीं। अब बच्चा कहता है कि सर इसमें परपेंडिकुलर भी तो नहीं है, कि अगर मैं इस पी क्यू लाइन के अबाउट परपेंडिकुलर अगर मैं ये कोई लाइन ले लूं तो ये सिमेट्रिक होगा इसके अबाउट, ये कैसे? तो मैं कहता हूं कि ये है, ये इस लाइन के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है। अब बच्चा कहता है कि सर कैसे बेवकूफ बना रहे हो तुम, ये तो बीच में से ये लाइन गुजर रही है, इस रजिस्टर पर से ये लाइन गुजर रही है, तो कैसे हो गया ये? तो मैं बच्चे से कहता हूँ कि बेटे मेरे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, आप एक बात इमेजिन करिए कि अगर मैं इसको ऐसे R को अगर ऐसे R by 2 कर देता, R by 2, R by 2, तो क्या R और ये R by 2 सेम इफेक्ट है या नहीं? Yes, sir, same. इसी तरह से इस R को मैं इस R by 2 R क्यों कर सकते हो? इसलिए क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड हो जाता है ना, तो सीरीज में सिंपली ऐड हो जाता है, इसका मतलब R को मैं R by 2 plus R by 2 भी लिख सकता हूँ। आप सोचो क्या ये सर्किट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हुई या नहीं हुई? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, yes, sir. Yes,
तो जब इस लाइन के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक हो गई तो इसका मतलब है कि जो नोड होगा नोड उसको आप ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा बनाऊंगा यहाँ पर, ये ऐसे सिमेट्री मैं समझा चुका हूं इसलिए पूरे को अब आर ही बनाऊंगा फिर से, ये ऐसे सिमेट्री आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो इसको आर ही दिखा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन में वो आर बाई टू नहीं देगा, क्वेश्चन में वो आर ही देगा, ठीक है, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया आर बाई टू का सम, ठीक है। यहाँ पे ये नोड यहां से ब्रेक करोगे तो नोड यहां से ब्रेक करोगे तो ये ऐसे आएगा, देखो ये ऐसे आएगा और ये बीच वाला रेजिस्टर ऐसे आएगा, देखो देखो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आर 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 ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर ओम ईच, तो आर और आर, ये पॉइंट पी ये पॉइंट क्यू। सर क्या सिंपलीफाइड सर्किट आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सर कैन यू नाउ आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल टू सॉल्व द प्रॉब्लम? यस सर। यस सर, तो कर लो जल्दी से, नोट करो और इसको सॉल्व करके आंसर देख लो कितना आ रहा है। सर जी, सर जो रेजिस्टर्स मिडिल वाली लाइन पे हैं उनको भी तो हम पैरेलली दो टू आर रेजिस्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, उससे कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए सर, अगर हम मिडिल वाली लाइन को सिमेट्री इसमें नहीं कर सकते, मतलब आप इसको यहां से रिमूव नहीं कर सकते ना, ये जो बीच वाला है इसको आप आर और आर को रिमूव कैसे कर दीजिएगा? अगर आप इसको ऐसे भी कह रहे हैं कि पता नहीं आपने क्या बोला, फिर से बोलिए क्या कहा है आपने। सर मैंने कहा वो आर आर को हम दो पैरेलल सिस्टम में कनेक्टेड टू आर के दो कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, दो रेजिस्टर से भी कर दें तो ये इसके साथ कर सकते हैं, ये इधर टू आर और ये टू आर ऐसे रहेगा तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये टू आर और ये टू आर ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हटने के बजाय मतलब इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दिस आप इसमें फर्दर और एक रेजिस्टर को दो दो रेजिस्टर बना रहे हो, मतलब पॉइंट इज दैट यू आर नॉट प्लेस द मिरर ऑन द रेजिस्टर इटसेल्फ, मतलब तुम सोचो अगर इस पे आप मिरर रख दोगे, इस वाली लाइन पे आप मिरर रखोगे तो इसको किसका पार्ट आप मानोगे, ऊपर वाले पार्ट ऑफ द सर्किट का उसको आप पार्ट कंसिडर करोगे, नीचे वाले का किसका मानोगे? किसी का नहीं तो फिर वो जाएगा कहां उसके उसका कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब क्या होगा उसके साथ, तो हमेशा याद रखिए कि आप रेजिस्टर पे मतलब इन शॉर्ट रेजिस्टर पे यू कैन नॉट प्लेस द मिरर, अगर आपको आधा आधा करोगे इस सर्किट को तो कहां से आधा करोगे, इस लाइन के अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट कहां से आधा आधा करोगे सच दैट के दोनों हाफ इक्वल दिखाई दें या सेम दिखाई दें, वो कैसे करोगे, समझे आप मेरा पॉइंट या नहीं? Yes, sir. भाई जैसे ये वाली लाइन के अबाउट तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ ओहो इस वाली लाइन के अबाउट तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि इसके अबाउट मैं इसको आधा आधा कर दूं तो ये इधर वाला राइट वाला हाफ और लेफ्ट वाला हाफ एक जैसा है, तो सिमेट्री है, बट यहाँ पर इस लाइन के अबाउट आधा आधा कैसे कर सकता हूं मैं, फिर इस रेजिस्टर को क्या करूंगा, ये इट इज नॉट जस्ट अ लाइन इट्स अ रेजिस्टर राइट? यस सर। ठीक है भाई, हो गया ये आंसर सॉल्व हो गया भाई आप लोगों से? यस सर। ये आर और आर ये टू आर होगा और ये टू आर के साथ ये आर पैरेलल में होगा, तो ये टू आर और आर पैरेलल में होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आर और आर टू आर और ये आर, तो ये टू आर बाई थ्री होगा शायद मेरे ख्याल से ऊपर। यस सर। तो ये जो रेजिस्टर आएगा वो आएगा आपका ये आर, ये टू आर बाई थ्री और ये फिर से आपका आर, ये बीच में जो आपका आएगा बीच में ये आर और आर ये सीरीज में तो 2R और द लास्ट वन विल बी इक्वल टू अगेन जैसा ऊपर था वैसा ही था ये R, ये आ जाएगा 2R by 3 और ये फिर से R, ये ऐसा आएगा ये 2R by 3 एंड दिस इज R, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा, तो ये मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा तो R और R सीरीज में जिसके साथ ये सीरीज में तो R और R 2R 2R प्लस ऑफ ये 8R by 3 आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या बोलते हो सक्षम, विल इट बी 8R by 3? Yes sir। अपर पोर्शन उसके बाद ये मिडिल वाला विल बी इक्वल टू 2R, द लोअर पोर्शन विल अगेन बी इक्वल टू 8R by 3, दिस विल अगेन बी 8R by 3, अब ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 1 upon R equivalent would be equal to 3 by 8R
दो बार है तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ऑफ वन अपॉन टू आर, सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा फोर आर, ठीक है, टू और फोर का एलसीएम ले लेंगे आप फोर आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका फोर आर, तो ये थ्री प्लस ऑफ टू, ठीक है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसी की आई थी, जिसकी भी ये आई है वो सही आई है, फोर आर बाई फाइव इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप के कुछ कुछ हजम हो गया होगा आपको कि हाउ टू डील विद द सिमेट्रिक सर्किट। हो गया बच्चों? यस सर। बच्चों मेरे प्यारे, ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन, देखूं कितना आप लोगों को समझ में आ गया, जस्ट अप्लाई योर ब्रेन एंड जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक सर्किट टू दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी द रिजल्ट फॉर दिस। ये सब अपने आप में रजिस्टर होंगे, ये एक स्क्वायर जैसा मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, All of the branches that I am showing is itself a resistor. तो मैं बना देता हूं, ये सब रेजिस्टर है, ये सब रेजिस्टर है, सब the same resistance R. All of these are resistors. सबकी रेजिस्टेंस R है बेटा, दिमाग में बसा लो कि सबकी रेजिस्टेंस R है, and all of these branches are itself a resistor. ये point Q है, ये point P है, you have to find out the equivalent, R equivalent is equal to what across P and Q. Each resistor is of resistance R ohm. Hurry up. Kaun batayega ki which symmetry do you think is applicable or this circuit is symmetric about what? Parallel axis or perpendicular axis? Kaun si symmetry hai? Parallel. So jaldi se karke mujhe answer batao. Jaldi se solve karke mujhe answer batao. Yes, of course, this circuit is symmetric about the parallel line of the symmetry. Or agar circuit parallel symmetry hoti hai kisi bhi circuit mein, to us case mein we just fold the circuit about the line of symmetry and then we solve the problem. So jaldi se mujhe solve karke answer bataiye. सेवांग का आंसर टू आर आया है भाई, बाकियों का क्या आया मुझे नहीं पता, सेवांग का आंसर आया टू आर। तो देखिए सर, पहली बात तो दिस सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, मतलब इट इज हैविंग पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, करेक्ट है भाई? और पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में व्हाट वी डू, वी जस्ट फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है फन। हम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के केस में हम क्या करते हैं, सर्किट को फोल्ड कर देते हैं किसके अबाउट, तो अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री हम सर्किट को फोल्ड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर बाई टू हो जाएगा, देखो तो
this will become R by 2. What do you think? It will become again R by 2, R by 2, R by 2. All of these will become R by 2 each. E R by 2, E R by 2, E R by 2, E R by 2. And just erase the lower half of the circuit. नीचे वाला सर्किट जो है आप उसको हटा दीजिए, नीचे वाला यहां से इसको हटा दीजिए, यहां से इसको हटा दीजिए, ये हट जाएगा और ऊपर सब R by 2 हो जाएगा. Is it clear? Please tell me. Yes, यहां पर भी एक रेजिस्टर है जो R by 2 लिखना ना पड़ेगा. तो ये R by 2 और ये R by 2 कैसे होगा सर? ये R by 2, R by 2. How are these two connected, series or parallel? Series. Series. तो R by 2 इस सीरीज में कनेक्टेड है तो इट विल बिकम इक्वल टू R. तो ये अगर R हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी R हो जाएगा, तो देखिएगा इसके बाद मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ. ये R by 2 will be as it is. ये हो गया सर, ये R by 2, ये R हो गया, नीचे वाला R by 2 again add up to become R. फिर उसके बाद ये दोनों, this will again become equal to R, this will again become equal to R, ठीक है, and this the last one is R by 2. ये पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q. अब सॉल्व करो. तो ये R और ये R will become R by 2, ये R और ये R will again become R by 2. तो मतलब ultimately you will be having four resistor R by 2 each connected in series. तो R by 2 into 4, R equivalent will be equal to कितना? तो R by 2 multiplied by 4. तो result कितना आ गया? 2R. क्या method सबको clear है? Yes sir. Will you now be able to identify the series and parallel? Will you now be able to identify the type of symmetry, parallel symmetry or perpendicular symmetry? Will you be now able to identify that? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो just note it down so that we can proceed to the next topic of this chapter. जल्दी से इसको note करिए. Is it noted, Afan, Yashwardhan, Saksham, Manas, yes. Abhinav and Asya? Yeah. Okay, yes, sir. So we move to yes, the, sir. Okay. तो चलो, perpendicular और parallel axis of symmetry clear हो गया. अब इसमें एक और concept आता है जिसका नाम है Wheatstone bridge. उससे भी हमारी circuit solve होती है और उसपे भी based IIT JEE ने 2 से 3 बार question पूछा है. मतलब advance में अभी 2016-16 में, 15 या 16 में एक advance पे में based इसी पे Wheatstone bridge पे based question आया था, but वो हम आगे पढ़ेंगे इसी chapter में. After dealing with KCL and KVL वो हम पढ़ेंगे, तो फिर उसमें हम वो क्वेश्चन देखेंगे. बट उससे पहले यहाँ पर अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक लॉ जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉज. किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ के इस केस में दो लॉज हैं. किरचॉफ्स के दो लॉज हैं, एक का नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरे का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. करंट लॉ का दूसरा नाम जंक्शन लॉ भी है, वोल्टेज लॉ का दूसरा नाम लूप लॉ भी है. अभी बताऊंगा वन बाय वन, सो डोंट वरी. बट बिफोर वी इंट्रोड्यूस किरचॉफ्स लॉज, उससे पहले मैं साइन कॉन्वेंशन जो हम फॉलो करने वाले हैं. अच्छा, जो मैं साइन कॉन्वेंशन बता रहा हूँ उसी साइन कॉन्वेंशन या वही साइन कॉन्वेंशन इज नॉट नेसेसरी कि आप फॉलो करें, बट बिकॉज आई फॉलो दैट साइन कॉन्वेंशन, दैट इज वाई आई विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन यूजिंग दैट साइन कॉन्वेंशन ओनली. अगर आपको कुछ और, मतलब कुछ उल्टा फॉलो करना है, तो यू कैन डू दैट बिकॉज ये साइन कॉन्वेंशन है, इट इज नॉट अ लॉ. ये वैसी ही बात है जैसे 11th में आप टॉर्क क्लॉक वाइज टॉर्क को पॉजिटिव मानिए या नेगेटिव मानिए, वो आपकी मर्जी है. उसी तरह से ये साइन कन्वेंशन है, बट व्हाट आई फॉलो इज दिस दैट आई एम गोइंग टू शो यू. देखो, किसी भी सर्किट में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हमें रास्ते में सेल मिलता है, रास्ते में हमें रेजिस्टर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने एक सर्किट का एक सीधा एक ब्रांच ले लिया. ब्रांच समझते हो ना, ठीक है, एक ब्रांच ले लिया जिसमें एक सेल लगा हुआ है वी वोल्ट का, एंड आई एम गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हाउ डू वी राइट द वोल्टेज? ठीक है, तो मान लो कि अगर इस पॉइंट का, अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी पे, तो हमें रास्ते में वी विल एनकाउंटर द सेल. सेल जो हमें दिखाई दे रहा है या सेल हमें मिलेगा, उसमें हमें क्या मिलेगा? तो वी विल एनकाउंटर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फर्स्ट एंड देन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. मतलब हम ए से बी जाने में पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टच करेंगे, फिर वी विल बी टचिंग द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. मतलब वी विल बी गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो बच्चों, जब भी ऐसा हो कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो,
तो आप सेल का जो वोल्टेज है उसको आप निगेटिव कंसिडर कर लीजिएगा, दिस इज माई साइन कन्वेंशन जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर उल्टा हो जाए कि आप ऐसे जा रहे हैं बट फर्स्ट यू हैव एनकाउंटर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल एंड देन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मींस यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो सेल का जो वोल्टेज है उसको आप इस केस में पॉजिटिव ले लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई? आई हैव अ लॉजिक फॉर दिस कि अगर आप हायर से लोअर में जा रहे हैं इसका मतलब है वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो दैट इज वाई आई एम टेकिंग इट एज नेगेटिव, और लोअर से हायर में जा रहे हैं मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है, तो दैट इज वाई हैव टेकन इट एज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो तो रास्ते में आपको रेजिस्टर भी तो मिलेगा, सेल ही मिलेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं। मान लो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है, इन शॉर्ट आप जिस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको रास्ते में रेजिस्टर मिला, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी आई आर, और वो आई आर आप निगेटिव लेंगे इफ यू एनकाउंटर द रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर से सुन लो कि अगर आपको रेजिस्टर करंट की डायरेक्शन में मिलता है तो यू विल टेक द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर टू बी नेगेटिव, एंड ऑन कॉन्ट्ररी अगर मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम जा रहे हैं और करंट इज फ्लोइंग दिस वे एंड दिस इज द रेजिस्टर एंड आई एम गोइंग दिस वे, मतलब आई एम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अभी भी आई आर रहेगा बट हम इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इज द साइन कन्वेंशन क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड और इसको नोट कर लीजिए एज इट इज, मतलब दिस इज माई साइन कन्वेंशन दैट आई एम गोइंग टू फॉलो। कोई उल्टा करना चाहे कि भाई हायर से लोअर जाने में पॉजिटिव लेना चाहे तो वो बच्चा वो कर सकता है, बट दैट स्टूडेंट विल हैव टू स्टिक टू द साइन कन्वेंशन, टू दैट सेम साइन कन्वेंशन थ्रू आउट द होल क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक स्टेप में कोई और साइन कन्वेंशन ले लिया, दूसरे स्टेप में कोई और साइन कन्वेंशन ले लिया, ऐसा नहीं करना। यू विल हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन थ्रू आउट द होल क्वेश्चन। ये जल्दी से नोट करो, एक दो चीजें और सिखाऊं फिर उसके बाद केसीएल केवीएल समझाता हूं। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को समझो। सर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि ये रास्ते में मैंने सेल लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया, फिर एक सेल है, फिर एक रेजिस्टर है, एंड सो ऑन, यहां पर हमें पहुंचना। आपसे मैंने बोला कि यहां पर जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर का आ रहा है, इसके अंदर एक 4 ओम का रेजिस्टर है, इसके अंदर एक 3 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 20 वोल्ट का सेल है, यहां पे हमने स्टार्ट किया, यहां से 40 वोल्ट था। आपको पूछा जाए कि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू बताओ। भाई पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड आई हैव टू रीच टू दिस पॉइंट, पॉइंट बी का वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है, क्या करेंगे? तो सर कुछ नहीं करना है, आपको जहां से पता है वहां से स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको यहां पता है कि 40 वोल्ट है तो आप लिख दीजिए 40। यहां पर ना तो कोई सेल है ना तो कोई रेजिस्टर है, सीधा 40 लिखा हुआ है, तो इसमें कोई प्लस माइनस साइन उस बात पर डिपेंड करेगा। अगर इसके साथ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए और माइनस होगा तो माइनस लिखते, हाँ, बट सेल और रेजिस्टर मिलेगा तो उसमें साइन कन्वेंशन आपको लगाना। अब सबसे पहले मुझे क्या मिला, मैं ऐसे जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या मिला, सेल। सेल का पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मिला, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिला। तो मैंने अभी कन्वेंशन कौन सा बोला कि अगर इफ आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो आई विल टेक द वोल्टेज का ड्रॉप, आई मीन आई विल टेक इट एज नेगेटिव, एम आई करेक्ट? उसके बाद रेजिस्टर मिला, रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का है और करंट की डायरेक्शन में ये रेजिस्टर मिल रहा है तो दिस विल बी माइनस ऑफ 8। अब यहाँ पर फिर से सेल मिल रहा है तो सेल का लोअर पोटेंशियल से आप हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो ये प्लस ऑफ 20 होगा। उसके बाद ये करंट की डायरेक्शन में फिर से देखिए आप तो करंट की डायरेक्शन में ये माइनस ऑफ 6 होगा। जो बच गया वो है पोटेंशियल एट बी, नहीं आया, ये सब कर कुरा के जो बच गया वही पोटेंशियल कहां पर मिला आपको, बी पे। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। अरे बात समझ आई सबको? यस सर। ठीक है तो ये कहता हूँ कि 10, 8, 18, 18, 24, 60 - 24 = V, तो 60 - 24 मतलब V बराबर 36 वोल्ट मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है। देख लो, लिखने का तरीका सीख लो भाई, ऐसे लिखते हैं। अभी एक बार और बता देता हूँ ऐसा, ताकि आपको लिखने का तरीका पता हो कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो बीच में जितना भी राइज ड्रॉप हुआ सब कर कुरा के जो बच गया वही फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। आई होप इट्स डन।
Is it done? Yes, sir. Sir. जी सर वो हमने 8 माइनस में लिया 8 माइनस कहाँ 8 है सर ये रजिस्टर वाला ये इसलिए माइनस में लिया देखो ये आप ऐसे जा रहे हो ना और आपको रजिस्टर मिल रहा है मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ये करंट की डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में ये रजिस्टर मिला तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी इज इक्वल टू आई आर होता है अब ये I into R करोगे तो 8 हो गया बट ये नेगेटिव क्यों किया आपने बिकॉज यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और पीछे भी साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि अगर आपको कोई रेजिस्टर मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर कोई रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिलता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो निगेटिव लिखा जाए डिड यू अंडरस्टैंड यस ठीक है ओके एक और बार ऐसा कुछ कर लेते हैं फिर उसके बाद KCL केबल डिफाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो मान लीजिए कि सर ये आपका एक सेल है ये एक रेजिस्टर है इस तरह से ये एक रेजिस्टर है और ये एक सेल है ऐसे एंड वी हैव वन रेजिस्टर एंड वन सेल लाइक दिस आपको बोला गया ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है एंड दिस थर्ड पॉइंट इज सी सर ये आप मान लीजिए 10 वोल्ट है ये 2 ओम का रेजिस्टर है इसमें जो करंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर यहाँ पर ये 8 वोल्ट का सेल है ये आपका करंट जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर और ये फिर से 2 ओम का रेजिस्टर मैंने मान लिया यहाँ पर जो रेजिस्टर है वो 4 ओम का है और ये 2+3 मतलब 5 एम्पियर का करंट इसमें आ रहा है और ये 6 वोल्ट का सेल है आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि डिटरमाइन और फाइंड जो भी कह लो आप फाइंड आपको क्या क्या फाइंड करना है तो यू हैव टू फाइंड वी ए माइनस ऑफ वी सी यू हैव टू फाइंड आउट वी ए माइनस ऑफ वी सी यू हैव टू फाइंड आउट वी बी माइनस ऑफ वी सी एंड यू हैव टू फाइंड आउट वी ए माइनस ऑफ वी बी दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट You have to calculate the potential difference between A and B, potential difference between B and C, and potential difference between A and B. A and C, B and C, and A and B. अब कैसे सोचेंगे? Questions सबको clear है बच्चों? Yes. तो VA minus of VC करना है तो क्या करें हम? A से C पे पहुंचे? तो चलिए starting from A. VA minus of 10. ठीक है इस वाले रेजिस्टर में देखो फिर से आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अग्रीड क्योंकि ए से सी पे जा रहा हूं ना मैं यस सर यस तो इसलिए ये कितना हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा ये ठीक है और उसके बाद यहां पर कितना होगा -20 इस वाले में 5 एम्पियर 4 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट की डायरेक्शन में और फिर से ये -6 क्यों क्योंकि हायर से लोअर पे जा रहे जो बच गया दैट इज सी तो VC हो गया वो तो VA माइनस ऑफ VC अगर आप यहां से निकालें तो सब कुछ नेगेटिव है 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 40 तो ये 40 आएगा क्या देख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट VB से स्टार्ट करिए VB ये करंट की डायरेक्शन में फिर से आप इसमें भी जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -6 ये हो जाएगा +8 ये हो जाएगा -20 और ये फिर -6 इज इक्वल टू 20 तो ये कितना हो जाएगा VB माइनस ऑफ VC ठीक है तो कितना हो गया 6 और 6 12 12 10 32 32 में से 8 घटा दो तो -24 तो इधर ले आओ तो 24 दिस इज माय सेकंड इक्वेशन ठीक है आपको आ गया VA माइनस VC भी निकल आया VB माइनस VC भी निकल आया तो आपको VA माइनस VB निकालना है आप जानते हो कैसे निकालना है VA माइनस ऑफ VC आपको पता है 40 है VB माइनस ऑफ VC कितना है VB माइनस ऑफ VC आपको 24 है आपको मालूम है कि अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा ये सब हटा दो तो VA माइनस ऑफ VB 40 में से 24 गया 16 ये आ गया तीसरा रिजल्ट हाँ भैया क्या बात समझ आई आप लोगों को कैसे हम पोटेंशियल निकालते हैं या लिखते हैं सर ये VA माइनस VB हम वो वायर के थ्रू भी निकाल सकते हैं VA माइनस VB कैसे निकालते बताओ वायर के थ्रू सर वो A से B तक ट्रांसफर A से B तक कोई रेजिस्टर या कुछ भी कनेक्टेड है क्या बच्चे सर ये जंक्शन पे तो है कहाँ जंक्शन पे ये यहाँ पर यहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पर का वोल्टेज क्या है तो आप ये कह रहे होंगे कि मैं ऐसे चलता हूँ VA
माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 4 यहाँ जंक्शन पे आए तो जंक्शन पे भी तो कुछ वोल्टेज होगा, सोच के देखिए, तभी तो ए से यहाँ पर आ रहा है करंट और फिर जंक्शन से यहाँ करंट जा रहा है तो इसका भी तो कुछ वोल्टेज होगा ना। मान लीजिए कि वो वोल्टेज x है, ठीक है, तो वो वोल्टेज अगर x है मान लो, तो ये x पता होगा तभी तो आप वी ए माइनस वी बी निकाल पाओगे, क्योंकि ना तो आपको v पता है, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ के बाद यहाँ ऐसे मुड़ गए तो आप लिखेंगे सर माइनस ऑफ 8, यहाँ आप लिखेंगे प्लस ऑफ 6, जो बच गया वो वी बी है, बट वी हैव 3 अननोन्स हियर, वी ए वी बी एंड x, एंड x इज नॉट नोन टू यू, तो कैसे डायरेक्टली निकाल पाओगे, सोचो। हाँ, ये डायरेक्टली तब निकाल पाते जब आपको जंक्शन का वोल्टेज पता होता। नहीं कर सकते कि 4 ओम के राइट साइड में जो 6 वोल्ट का बैटरी है, जो वायर उसका है 4 वोल्ट के राइट साइड में 6 वोल्ट, क्योंकि 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 था, तो x 14 नहीं हो जाएगा। 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 कहां से आ गया, 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस? सो आई आर ना, तो मतलब अल्टीमेटली यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस x, मतलब ये कह रहे हो ना, यहां से ये कह रहे हो, ये हो गया 20, ठीक है, बिल्कुल सही बात। ये आपने कह दिया कि सर ये हो गया 20, बहुत बढ़िया, मुझे मजा आया सुन के, ये 20 हो गया। तो ये 20 अगर ये हुआ तो ये 20 ये इसके एंड का वोल्टेज नहीं है, ये 20 है कि इस रेजिस्टर ने वोल्टेज कितना खा लिया, तो दैट इज 20। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट का वोल्टेज कुछ x है, समझ रहे हैं आप, इस पॉइंट का कुछ वोल्टेज x है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ये लॉस हो जाएगा हमारा, ये 4 वर्सेस 5, तो ये 4 ओम 5 एम्पियर, उसके बाद ये देखो ये 6 वोल्ट, इसका भी लिख के बता देता हूँ आपको, ये 6 वोल्ट और ये C, ये VC है ना, तो आप VX माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू VC है, तो ये VX माइनस ऑफ VC निकल आएगा। बट ये इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये 20, इसका मतलब X की वैल्यू 20 हो गई, नहीं सर, समझ रहे हो आप? नहीं, तो आपका क्या कहना है भाई? सर मेरे 4 ओम रेजिस्टर के जस्ट साइड में जो 6 वोल्ट बैटरी है, वो 6 वोल्ट पोटेंशियल उस 4 वोल्ट के जस्ट 4 ओम के जस्ट राइट साइड में है, ठीक है, फिर और 4 ओम के जस्ट लेफ्ट साइड में x होगा, ठीक है, 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, तो मतलब x, हां वो कर सकते हैं कि भाई अगर आप यहां पर ये कह रहे हैं कि ये 6 है और यहां पर ये x है और इसमें करंट आपको पता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस vx माइनस ऑफ 6 divided by the resistance which is 4 is equal to 5, तो Vx यहां से हम निकाल सकते हैं, but ultimately you will have to find out the Vx, right? Yes, sir. मतलब आप A से B directly निकालने के लिए आपको X तो चाहिए voltage, भाई. Ultimately आपको voltage चाहिए, वो कैसे भी निकालो, फिर उसके बाद आप VA से VP पे आओगे, यही तो करोगे, तो extra steps तो करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने क्या कि मैंने वो नहीं किया, मैंने डायरेक्टली, मुझे VA माइनस VC पता है, VB माइनस VC पता है, तो उससे मैंने डायरेक्टली VA माइनस और VB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बाय सिंपली एडिंग द टू, सो सबट्रैक्टिंग द टू इक्वेशंस। सर जी, सर तो पहले और सेकंड केस में हमने x का वोल्टेज कंसीडर भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो आप A और C के बीच, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आप कहां से कहां जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस आप जा रहे हो ए से सी के बीच में, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि ए और सी के बीच में भी तो एक सारा था, फिर आपने yes, क्यों नहीं कंसीडर किया? ओके, नहीं वहां पे कंसीडर तो नहीं करेंगे आप, अगर यहां से आप जा रहे हैं ए से बी पर, तो एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या? नहीं, अगर वहां से भी जा रहे हो तो x की पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, यू आर राइट, x नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, x को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, x आपको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, सही है, x कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं VA से VB पे डायरेक्टली जा सकते हो वाया दिस पाथ, ये वाला पाथ, VA से ये वाला पाथ आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, यस यू आर राइट, ठीक है सर, x कंसीडर नहीं करना yes. पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, यस सर, अब चलिए सर, अब हम आते हैं दो लॉज की तरफ, एक दो मिनट लॉज हैं, अभी तक लिखा नहीं था तुमने? सर लिखा था सर, एक डाउट था, हमने VA माइनस 10 किया था इसमें, VA माइनस VC में, बट फिर जब हमने VB माइनस VC किया तो उसमें हमने प्लस 8 किया,
वो क्यों? Let's say it is what the cell का voltage, right? और cell में देखिए पहले कि आपको मिल कौन रहा है। B से अगर आप जाएंगे तो B इसे जाने पर सेल दिखा तो सेल का कौन सा इलेक्ट्रोड मिला आपको, नेगेटिव वाला पहले मिला या पॉजिटिव वाला पहले मिला? इसीलिए तो पहले साइन कन्वेंशन बताया आपको, देखिए पीछे कि अगर पहले लो नेगेटिव मिलता है और उसके बाद पॉजिटिव मिलता है तो वोल्टेज सेल का जो वोल्टेज लेंगे वो प्लस साइन लगाएंगे उसके साथ, और सेल का अगर पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मिलता है और फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिलता है तो वोल्टेज के साथ माइनस साइन लगाएंगे। समझी आसिया? ओके सर, यस सर। ठीक है, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द टू लॉज टू सॉल्व द सर्किट एंड दीज लॉज आर कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉज। वैसे ये जो लॉज है बहुत सारे मेथड्स होते हैं सर्किट को सॉल्व करने के, बट आपके जो 12th के सिलेबस में कंसीडर किया गया है वे टू सॉल्व द सर्किट वो है आपका सिर्फ किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज इज द एडिशनल मेथड बाई विच यू विल सॉल्व द सर्किट। किरचॉफ के दो लॉज हैं, एक लॉ को हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट फॉर्म अगर कहें किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म कहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म है KCL। इसी को जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ। इसी जंक्शन लॉ का दूसरा नाम नोड भी है, जंक्शन का दूसरा नाम नोड भी है। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, ध्यान से सुनिए। नोड या जंक्शन का क्या मतलब होता है? तो नोड या जंक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके मीट करते हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, द पॉइंट एट विच टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द पॉइंट एट विच टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट्स इज कॉल्ड एज जंक्शन। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर होगा है। तो इस पॉइंट को अपन क्या क्या नाम देंगे? तो इस पॉइंट को हम सिंपली जंक्शन कहेंगे, दिस पॉइंट इज नथिंग बट जंक्शन। अब इस जंक्शन पे लॉ ये कहता है कि इस जंक्शन पे मान लो अगर करंट यहां से आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2, इस जंक्शन से करंट निकल रहा है I3 और यहां से करंट निकल रहा है I4, तो लॉ ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन विल बी जीरो। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जितना करंट जंक्शन पे आया वो सारा का सारा करंट जंक्शन से निकलेगा, कोई भी करंट जंक्शन पे डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होगा। तो एट द जंक्शन सारे करंट का सम हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 दिस होल सम इज इक्वल टू जीरो। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि I1 प्लस ऑफ I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4। इसका मतलब आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जितना करंट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, द करंट दैट रीचेस टू अ जंक्शन इज द सेम एज द करंट विच इज लीविंग दैट जंक्शन। क्लियर हो गई बात? इस लॉ में कोई इशू? जितना करंट आया उतना करंट जंक्शन से निकल गया, सीधी सी बात है। ठीक है, अरे कोई इशू? और ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ट्यूब है और ये दूसरा ट्यूब है और दीज टू ट्यूब्स आर कनेक्ट्स विद अनदर ट्यूब, ठीक है, ये तीसरा ट्यूब है। इधर से मान लो कि 2 लीटर पानी आ रहा है पर सेकेंड और इधर से मान लो कि 1 लीटर वाटर इज कमिंग पर सेकेंड, तो यहां पर से कितना निकलेगा? तो ऑब्वियसली बात है कि 2 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल टू 3 लीटर पर सेकेंड निकलेगा या नहीं निकलेगा? करेक्ट है भाई। तो द सेम इज द लॉ विच इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ, सेम इज द पॉइंट विद द किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस कॉन्सेप्ट पे ये लॉ बेस्ड है, तो आप ये कह सकते हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये वाला जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको मालूम ही है कि चार्ज मतलब कहीं जंक्शन पे क्रिएट तो नहीं हो जाएगा या जंक्शन पे अगर डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगा। जितना चार्ज जंक्शन पे आ रहा है द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज विल हैव टू लीव द जंक्शन, ठीक है, तो इस लॉ पे ये बेस्ड है। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ KCL। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं सर। सबने लिख लिया भाई? yes. ओके, तो अब दूसरा लॉ,
दूसरे लॉ को हम लूप केवीएल दैट इज वोल्टेज लॉ भी कहते हैं या लूप लॉ कहते हैं या मिश लॉ कहते हैं। तो अब ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है उस बात को देख लेते हैं जल्दी से। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसी का शॉर्ट फॉर्म केवीएल या इसी को हम लूप लॉ भी कहते हैं। लूप का एक और नाम होता है मेश। ठीक है, अब पहली बात तो समझे लूप का क्या मतलब है। तो लूप किसी भी सर्किट में लूप का इलेक्ट्रिकल सर्किट जानते हो, कोई मुझे डिफाइन कर सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट। एनीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्लास टेंथ में पढ़ाया जाता है। एनी वन ऑफ यू कैन एनी वन ऑफ यू डिफाइन व्हाट इज सर्किट? नहीं, क्लोज कंडक्टर नहीं, जबरदस्ती कंडक्टर मत लगा दो। सर्किट का बेसिक मतलब होता है क्लोज पाथ विच कंसिस्ट ऑफ सेल रेजिस्टर बैटरी एंड अदर एलिमेंट्स जिसमें करंट कैन फ्लो। ठीक है, क्लोज पाथ इन विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। लूप का भी वही मतलब है, लूप भी वही है कि इट इज ऑल्सो क्लोज पाथ इन विच करंट कैन फ्लो। ठीक है, तो लूप और सर्किट में डिफरेंस क्या है सर? फिर तो आप ऐसे समझ लो कि बिल्डिंग और फ्लैट में जो डिफरेंस है ना वही लूप और सर्किट में डिफरेंस है। बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स होते हैं और फ्लैट में भी लोग रहते हैं, उसी तरह से आपका जो सर्किट है वो बिल्डिंग है और उसके अंदर जो लूप है वो फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट एक क्लोज पाथ। तो लूप इज बेसिकली द क्लोज्ड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किट इन विच करंट कैन फ्लो। मतलब लूप क्या चीज है? करंट के फ्लो करने के लिए किसी भी सर्किट में जो क्लोज्ड पाथ्स हैं उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लूप। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर, करेक्ट है भाई? Yes. तो अब देखिए ये लॉ ये कहता है कि किसी भी लूप में, लूप का दूसरा नाम मेश भी है, तो किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज लूप याद रहे कि द क्राइटेरिया इज द लूप शुड बी क्लोज। क्लोज्ड का क्या मतलब कि द पॉइंट वेयर फ्रॉम यू हैव स्टार्टेड यू हैव टू रीच टू द सेम पॉइंट। मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया आपको उसी पॉइंट पे पहुंचना है, देन ओनली यू कैन कंसीडर एनीथिंग टू बी क्लोज, राइट? ठीक है, एनी लूप टू बी क्लोज और एनी पाथ टू बी क्लोज तभी हो सकता है जब जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंचना है। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने वोल्टेजेस का सम हुआ, मतलब रास्ते में जितने भी वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, उन सब का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लॉ ये कहता है कि इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप, ये मतलब अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा, इन अ क्लोज लूप एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। सारे वोल्टेज का ड्रॉप, अगर हम सारे वोल्टेज ड्रॉप का अगर हम सम ले लें तो सारे वोल्टेज का जो ड्रॉप है उन सब का सम क्या होगा? तो सारे वोल्टेज के ड्रॉप का सम हमेशा जीरो होगा इन अ क्लोज लूप, राइट? अब इसका फर्दर क्या मतलब है तो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि एक सेल, मान लो ये रजिस्टर, मान लो यहाँ पर आप एक सेल ऐसे मान लो, यहाँ पर एक रजिस्टर ऐसे मान लो, और यहाँ पर फिर से एक रजिस्टर और एक सेल मान लो, कुछ भी मान लो यार, एक लूप है, ये क्लोज लूप हुआ या नहीं? इज इट अ क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट और नॉट? मान लो इसका नाम है ए बी सी डी, भाई ये करंट का फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ है या नहीं है बच्चे? ये V1, ये R1, ये V2, ये R2, ये V3, ये R3, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से द करंट इज I, करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये क्लोज पाथ हो गया। अब ये लॉ ये कहता है कि इस क्लोज पाथ में किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करिए, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके और उसी पॉइंट पे आप वापस पहुंचिए, कहीं से भी स्टार्ट करिए और उसी पॉइंट पे आप वापस पहुंचिए। तो जहां से आपने स्टार्ट किया अगर आप उसी पॉइंट पे वापस फिर से पहुंच रहे हैं तो रास्ते में जितने भी वोल्टेज का ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ सबको कर पुरा के फाइनली आपको पास कुछ भी नहीं बचेगा, यू विल गेट जीरो। क्या मतलब? लेट अस से कि मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब इन लूप, लूप में कैसे जा रहा हूं मैं वो लिख देता हूं, ए बी सी डी ए, मतलब आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड वाया बी सी डी आई एम अगेन रीचिंग टू ए। ए से स्टार्ट किया है और वाया बी सी डी मैं कहां पहुंच रहा हूं? फिर से ए पे पहुंच रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट ए माइनस ऑफ सेल का वोल्टेज, सेल का वोल्टेज मैंने कितना लिया हुआ है? V1। बेटा बोलो तो V1 कैसा लिखोगे, प्लस या माइनस? कैसा V1 लिखोगे ए से बी जाने में? माइनस। भाई सब नहीं बोलते हैं यार, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर मिला, आई आर कैसा लिखेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस
माइनस ऑफ आई आर वन, उसी तरह से माइनस ऑफ वी टू, यहां से सी से डी जाने में करंट ऐसे जा रहा है तो फिर से मैं करंट की डायरेक्शन ही में जा रहा हूं, इसका मतलब माइनस ऑफ आई आर टू। उसके बाद यहां पर देखिए तो आपको प्लस वी थ्री मिलेगा क्योंकि आप लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे जा रहे हैं, बट रेजिस्टर में आप करंट की डायरेक्शन में ही गए हैं तो माइनस ऑफ आई आर थ्री। पहुंचे कहां, घूम फिर के आप कहां पहुंचे, इसी पॉइंट ए पे पहुंच गए तो वी नहीं आई। बात समझ में मुझे एक बात बताओ कि चल के हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, चल के हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो क्या आपको नहीं लगता दिस वी एंड दिस वी ए विल कैंसिल आउट? आई होप सबको समझ में आ रही है बात। तो ये वी और ये वी, ये वी ए और ये वी ए कैंसिल हो गया तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि माइनस वी वन माइनस ऑफ वी टू प्लस ऑफ वी थ्री, ये सब जो वोल्टेज आपको रास्ते में मिले थे माइनस ऑफ आई आर वन माइनस ऑफ आई आर टू माइनस ऑफ आई आर थ्री, ऑल दीज वोल्टेज ड्रॉप सम अप टू इक्वल टू जीरो, ये तो मतलब हुआ, ये तो आपका केवीएल कह रहा है कि सारे वोल्टेज के ड्रॉप का जो सम है अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू व्हाट, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। यस सर, यस तो algebraic sum of all the voltage drop is equal to zero, clear हो गई बात, और यही आपका law कहता है। clear? law clear है? yes। ठीक है, किसी भी एक point से start करिए और उसी point पे आप पहुंच जाइए तो sum of all the voltage drop will be equal to zero, right? अच्छा, अब आपसे कोई पूछ ले कि ये law किस law पे based है, तो याद रखिएगा the law is based on this law is based on conservation of energy। मतलब आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करिए और घूम के आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो क्या एनर्जी में चेंज आएगा, कुछ आएगा? तो एनर्जी का चेंज विल बी इक्वल टू जीरो। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। फोर्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और फील्ड के बारे में बोलूं तो कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, फोर्स कंजर्वेटिव है, फील्ड के बारे में कहूं तो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में अगर किसी भी बॉडी को आप एक पॉइंट से घुमा के उसी पॉइंट पे वापस लाएंगे तो द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। याद करो द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और ये वही आएगा सर। ठीक है, इसीलिए वो जीरो आएगा। yes, sir. हो गया, तो चलिए now you know the KCL, you know KVL, so now we are in position to solve problems based on KCL and KVL. KCL और KVL से solve कैसे करते हैं हम questions को, तो ultimately हमें यही दो laws apply करना होता है। पहले हमें current distribute करना रहता है और उसके बाद फिर हम जितने भी unknown current होंगे उतने हमें equation बनाने होंगे, और जितने equation बनाने हैं उतना ही हमें loop consider करना पड़ेगा और हम question solve करेंगे। जैसे एक example देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ले लो कि मान लो सर ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक रेजिस्टर और यहाँ एक रेजिस्टर, ये ऐसे आपके ये एक सर्किट है। ठीक है, ये एक सर्किट है, और अगर ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट, ये सर्किट मान लो ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 2 ओम है, ये आपका 8 वोल्ट का सेल है, ये आपका 1 ओम है, और ये आपका 4 ओम है। आपको बताना है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में आपको करंट निकालना है, इन ईच ब्रांच कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। अब देखो इसमें हम नॉर्मली सीरीज और पैरेलल तो नहीं कह सकते सर, बिकॉज देयर आर सेल ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस कॉम्बिनेशन, तो आप ये नहीं कह सकते कि तीनों रेजिस्टर आपस में पैरेलल हो गए, बिकॉज 2 ओम के अक्रॉस लेफ्ट साइड पे वोल्टेज 10 है,
वन ओम के अक्रॉस लेफ्ट साइड पे 8 वोल्ट है और 4 ओम के अक्रॉस लेफ्ट साइड का वोल्टेज या राइट साइड का हमें पता भी नहीं है, तो इसलिए ये तीनों पैरेलल में तो नहीं है, ना ही तीनों सीरीज में है। करेक्ट है भाई बच्चों? यस सर। अगर ये सीरीज और पैरेलल होता तो सीधे हम कहते भाई आर इक्विवेलेंट निकाल लो और फिर करंट निकाल लो, बट ना तो ये सीरीज है ना तो ये पैरेलल है, अब क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में वी अप्लाई किरचॉफ्स लॉज, और किरचॉफ्स के दोनों लॉ हम इकट्ठे यूज करेंगे, केसीएल एंड दूसरा वाला जो लॉ होगा दैट वुड बी केवीएल। तो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स का अगर मैं करंट लॉ लगा रहा हूं, तो करंट लॉ अगर मैं लगाता हूं तो इससे क्या करेंगे? तो यहां देखिए सर, यहां से मान लीजिए कि कुछ करंट मिला हमें, कुछ करंट आ रहा होगा, क्या करंट है वो तो निकालना ही है उसकी वैल्यू, किस डायरेक्शन में करंट है वो भी हमें नहीं पता, भाई करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये भी हमें नहीं पता, तो हम कोई डायरेक्शन अज्यूम कर लेंगे। कोई कष्ट आपको? इधर से हमने मान लिया कि भाई इधर से करंट आ रहा है I2। सर आपने ऐसा क्यों माना? देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इन्हीं दो ब्रांच में करंट माने, ठीक है, मतलब यहां से निकालें करंट, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट यह है कि जितना करंट किसी जंक्शन पे पहुंचाओगे उतना ही करंट जंक्शन से बाहर भी आना चाहिए, ये जस्टिफाइड रहे। पॉइंट क्राइटेरिया यह है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट पहुंचाया आपने उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रहे। तो सर आपने I1 और I2 ऊपर नीचे क्यों लिया? उसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई दोनों ब्रांच में सेल लगे हुए हैं, और हमें एक बात पता है कि सेल अगर हो तो अगर आप सेल लगा दोगे तो करंट का सोर्स क्या होता है? तो सेल इज द सोर्स फॉर करंट, तो इसलिए मैंने I1 I2 ले लिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से ऊपर से I1 आया, यहां से I2 आया, आपको नहीं लगता ये दोनों ऐड होगा यहां पर इस पॉइंट पर? रेड डॉट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। yes, तो यहां से करंट कितना जाएगा? तो करंट विल बिकम द सम ऑफ द टू, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2। तो यहां पर जब करंट पहुंचेगा तो आपको नहीं लगता ये करंट आपस में फिर से डिवाइड हो जाएगा? क्या बोलते हैं दोस्त? yes, सर हम ये कह सकते हैं कि I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, देखो जितना आया था उतना निकल गया, जस्टिफाई हो रहा है करंट? yes, अब दूसरी बात, हाउ मेनी करंट विच इज अननोन डू वी हैव? Of course, two unknowns we are having, I1 and I2. At least how many equation we need to have? Or how many equation we'll have to form? At least two of the equation we'll have to form. So, two equation to hume kam se kam chahiye. Sir, samajh aa rahi baat aapko? Yes, sir. Theek hai. So, two equations hume kam se kam chahiye. Ab two equation chahne ke liye hume two loop banana hai. Two loop se two equation aa jayegi, dekho kaise. तो मैं इसके कुछ नाम लिख देता हूं और आप लोगों को सिखा देता हूं, आप लोग इसी पे अगला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताएंगे। तो देखो लूप में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आसिया, अभिनव भाई, सेवांग भाई, लूप में वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, बट द क्राइटेरिया इज यू विल हैव टू रीच टू द सेम पॉइंट वेयर फ्रॉम यू हैव स्टार्टेड। क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप का मतलब है कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड यू विल हैव टू रीच बैक टू द सेम पॉइंट। तो मान लीजिए आपने इन लूप कहां से कहां जा रहे हो, ए से बी, जरूरी नहीं कि आप ए से बी जाएं, यू कैन गो फ्रॉम ए टू एफ और यू कैन गो फ्रॉम बी टू ई, कैसे भी कर सकते हो आपकी मर्जी है, बट मेक श्योर द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड यू हैव टू रीच टू द सेम पॉइंट। तो ए टू बी ई एफ ए, मैं ए पे वापस पहुंच गया, देखो अगर नाम से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ए से बी में ना तो कोई रेजिस्टर है ना तो कोई सेल है, बी से ई में जाओगे तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो 4 I1 प्लस ऑफ I2, माइनस का या प्लस का, तो माइनस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, ई से एफ में कोई रेजिस्टर कोई सेल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, यहां से आप आइए तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में आप गए तो माइनस अगेन 2 I1, उसके बाद सेल का पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव तो प्लस ऑफ 10, दिस इज होल इक्वल टू जीरो क्योंकि आप ए पे ही वापस पहुंचे, ये कितना हो गया माइनस ऑफ 6 I1 माइनस ऑफ 4 I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 I1 प्लस ऑफ 2 I2 प्लस ऑफ 2 I2 इज इक्वल टू 5, दिस इज माई वन ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। इसी तरह से इन लूप, कौन सा लूप? लूप बी ई डी सी बी, अगर इस लूप में आप चलते हैं तो इस लूप में अगर आप चलेंगे तो क्या लिखेंगे? फिर से माइनस ऑफ 4 I1 प्लस ऑफ I2, समझ रहे हैं आप? बी से ई पे गए, ई से डी कुछ भी नहीं है, ना तो सेल है ना तो रजिस्टर है, आप ई से डी से सी पे जाइए, डी से सी में अगर आप जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में आपको 1 ओम का रेजिस्टर मिलेगा, तो माइनस ऑफ 1 इंटू I2 लिखेंगे आप, ठीक है, उसके बाद फिर प्लस ऑफ 8 लिखेंगे,
प्लस ऑफ 8, दिस होल इज इक्वल टू 0. बच्चों समझ आ रहा है, प्लीज बताओ. यस सर. तो माइनस ऑफ 4i2 और माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4i1 माइनस ऑफ 5i2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, माइनस अगेन कैंसिल्स आउट, तो 4i1 प्लस ऑफ 5i2 दिस इज इक्वल टू 8, माय सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो विल आई गेट द आंसर. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आई विल गेट द आंसर फॉर दिस, राइट? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बताइए. तो जल्दी से, एकदम खट से, खट से देखिए आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया. अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस. कर रहे हो सॉल्व? Is it done, बच्चों? 9/7 and 1/2 आंसर आ रहा है आसिया का. मतलब मेरा पॉइंट ये कि आपको कोई भी करंट नेगेटिव तो नहीं आया इस केस में? No, solving, neither I1 nor I2, दोनों ही पॉजिटिव आएगा, राइट? Yes, मान लो इन केस अगर कोई करंट नेगेटिव आता तो इसका क्या मतलब होता? वैसे तो यहाँ पर दोनों करंट सॉल्व करेंगे आप, पॉजिटिव आएगा मेरे बच्चों. बट अगर मान लो कि लेट अस से, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आई वन नेगेटिव आ गया, अगर ऐसा हो जाए कि नेगेटिव आ जाए, आ सकता है, तो इसका क्या मतलब? सर हमारा सोल्यूशन गलत हो गया? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि सोल्यूशन गलत हो गया. अगर कोई करंट नेगेटिव आ जाए तो बस इतना याद रखना, बस इस पॉइंट को याद रखना कि इफ यू गेट अ करंट टू बी नेगेटिव, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने माना है करंट की और जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में करंट फ्लो होगा, मतलब जो डायरेक्शन आपने अस्यूम करा है और जिस डायरेक्शन में करंट एक्चुअली में फ्लो होगा, वो ऑपोजिट है. मतलब मान लो कि आपने, जैसे मान लो कि यहाँ आई वन नेगेटिव आता, मान लो, इसका मतलब होता है कि एक्चुअली में आई वन ऐसे फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा. इससे आंसर गलत नहीं हो गया, सिंपली नेगेटिव अगर कभी आ जाए तो बस इतना समझ लीजिएगा कि द डायरेक्शन दैट यू हैव अस्यूम्ड फॉर द करंट, actually current is not flowing in the direction, rather it is flowing in the opposite direction. इससे answer गलत नहीं होगा, कुछ आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात याद रखिए. Clear? Can I erase it now? Yes, sir. Okay, if it is done, तो मैं एक और question ले रहा हूँ आज, और बाकी एक दो question मैं next class में कराऊंगा, एक दो तीन question ऐसे जितने भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. बट आज के लिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जितना समय आपका बाकी है या जितना टाइम आपका रह रहा है उसमें अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लीजिए एक रेजिस्टर ऐसे, यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर सर एक रेजिस्टर, ये ऐसे सेल है ये, और एक रेजिस्टर ऐसे, यहाँ पर सर ये एक सेल है और ये रेजिस्टर है, दिस इज योर सर्किट. ठीक है भाई, सबको दिखाई दे रहा है, ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 12 वोल्ट है, ये आपका 4 ओम है. यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. सर क्वेश्चन सबको क्लियर है, प्लीज बोलो.
सर। तो आप देखो फिर से क्या करना है, पहला स्टेप करंट अज्यूम करिए, करंट अज्यूम करिए, करंट को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करिए, बट मेक श्योर कि जितना करंट सर्किट में इंटर कर रहा है या किसी भी जंक्शन पे इंटर कर रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलना चाहिए। तो मतलब ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, मैं ऐसे ही नाम ले देता हूँ। अब ऐसे अज्यूम कर लो, मान लो कि करंट यहां से कुछ आया आई वन, मान लो करंट आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं, मैं इस तरह से मान रहा हूँ, आप इसका उल्टा अज्यूम कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उससे आपको आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, आपको कहीं से भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आई टू आ, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से आई टू लाएं, आप चाहें तो यहाँ से आई टू ले लीजिए, आपकी मर्जी है। अब मुझे एक बात बताइए, आई वन और आई टू यहाँ से आएगा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस विल बिकम इक्वल टू आई वन प्लस ऑफ आई टू, टेल मी यस और नो। बोलिए सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया सर, बोलने का मतलब ये है। Yes. सर ये डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है सर? जी सर, 2 ओम के उधर आई टू है, 2 ओम के उधर, अरे आई वन तो अगेन वी आर हैविंग 2 अननोन, क्योंकि अगर आई वन और आई टू पता चल गया तो आई वन प्लस आई टू जो तीसरे में जा रहा है वो तो पता चल ही जाएगा। तो लूप ले लो, फिर से देखो इन लूप ए बी डी ई ए, इस लूप में मैं जा रहा हूं, ए से भी कुछ भी नहीं हो रहा, बी से डी जाओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो 8, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई टू इंटू 1, डी से ई में फिर से आप ऑपोजिट मतलब लोअर से हायर पे जा रहे हो तो +10, और बट इसमें आप ई टू ए में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो -2 × i1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो याद आएगा -2i1 + i2 = -8 इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इज इट क्लियर? यस, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन लूप, दूसरा वाला लूप कहीं से भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बी सी डी, ये डी डी दो जगह पे ले लिया, ये भी एक कंफ्यूजन, ई और एफ, तो ये लिखना चाहिए मुझे ए बी सी, ए बी ई एफ ए, ऐसे लिखना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट लूप इज बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू बी, ये लूप। तो इस लूप में बी से सी में कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बाद -12, उसके बाद -4i1 + i2, जी तो वो 18 है ना, कहां पर 18 है सर? इधर नीचे से ये इन लूप ए बी डी ए बी ई एफ ए। अब देखिए यहाँ से ई से अगर आप बी पे जाएंगे तो कितना होगा, -i2 और -8 = 0। भाई सबको समझ में आ रहा है, माइनस हर जगह से उड़ा दो, 12 और 8 = 20, ये हो गया सर -4i1, तो ये प्लस कर दिया मैंने सबको, +4i2 + i2 = 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4i1 + 5i2 = -20, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। देखिए देखिए इफ यू आर कन्विंस्ड विद बोथ ऑफ दिस टू इक्वेशंस, हाँ भाई सर वहां पे आई वन के साइड पर, कहां पर बेटा आई वन प्लस आई टू होना चाहिए सर? डी के बाद 1 ओम, कहां पर बोल रहे थे 1 ओम वाले में तो आई टू करंट जा रहा है ना, देखो यहां से करंट आया, यहां से जब ये करंट आया आई वन प्लस आई टू, इसको दो रास्ते मिले, ये दो रास्ते में डिवाइड हो जाएगा ना, अगर दो रास्तों से एक रास्ता मिलता है तो ऐड होगा, और एक रास्ते के बाद दो रास्ते दिखते हैं तो डिवाइड होगा आई टू और यहाँ चला आएगा आई वन। ये बोलना चाह रहे हो या कुछ और बोलना चाह रहे हो आप? सर जरूरी है जी, जरूरी क्या जरूरी है? आवाज नहीं ठीक क्लियर आ रही है दोस्त। सर ये जरूरी है कि वहां पे आई टू, हाँ हाँ जरूरी है, अगर नहीं गया
तो आप इस बात को इमेजिन करिए, अगर आप जो नहीं, आप यहाँ से I2 करंट फिर कहाँ से निकाल लोगे? अगर यहाँ पर ये डिवाइड होगी, इसमें इस रास्ते में I2 नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से ये I2 ऊपर पहुंचाओगे कैसे? आपने ऑलरेडी कहा है कि ये I2 ले रहा हूं मैं, तभी तो ये I1 और ये I2 मिलके ऐड होकर I1 प्लस I2 हुए। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो ये I2 इसमें जाना चाहिए, तभी तो I2 आगे ऊपर जाएगा, ये जरूरी है। समझे बच्चे? ठीक है सर। डन सर। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, आज इतना ही, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके।